न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स ग्रेड 6 सेकेंड एडिशन चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन लेसन 1 डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 इनटू 1/3। क्वेश्चन मौजूद है 1 को 1 से ला करके हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 2 और 3 यहाँ पे रखा। 1 1s are 1 और 2 3s are 6, इस तरह हमारा आंसर आया 1/6। अब क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 34। ये भी सिंपल है, सबसे पहले हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू मालूम करनी है 1/3 इंटू 9/10। ये हमने इसको इस तरह से 1 और 9 को एक साथ, न्यूमिरेटर को एक जगह कर लिया और डिनोमिनेटर को भी एक जगह कर लिया। अब अगर हम देखते हैं 1 9s are 9 एंड 3 10s are 30। अब देखा जाए तो ये दोनों कैंसिलेशन हो रही है, किस टेबल से, 3 के टेबल से। 3 3s are 9 और 3 10s are 30, इस तरह हमारा आंसर आएगा 3/10। ये तो हमारा एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड ये हो सकता है हम डायरेक्टली कैंसिलेशन करें, यानी ये 1/3 अपनी जगह है, 9/10 भी अपनी जगह है। 3 और 9 मौजूद है, ये दोनों एक टेबल से जा रहे हैं। 3 1s are 3 3 3s are 9, तो इस तरह क्या हो जाएगा, 1 3s are 3 1 10s are 10, दोनों आंसर्स सेम है। अच्छा, अब है पेज नंबर 35। डिवाइड 1/2 ऑफ अ पिज़्ज़ा इक्वली बिटवीन 2 गर्ल्स। सबसे पहले तो पिज़्ज़ा ये रहा, इसको इन्होंने कहा हाफ, इसको डिवाइड करना है 2 गर्ल्स में, तो क्या करेंगे, हाफ पिज़्ज़ा है तो ये लिखा हाफ। 1/2 डिवाइड कितने में हो रहा है, 2 में, 2 3 हो तो 3, भाई 2 गर्ल्स हैं इसलिए 2 लिखा है, अगर 4 गर्ल्स होती तो 4 लिखते। अच्छा, अब क्या है 1/2, इसको मैं यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ। 1/2 डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अभी क्या है 2/1 लिखा है यहाँ, डिवाइड की जगह तो मल्टीप्लाई हो गया, पहले अभी लिखा है 2/1, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में, यानी डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी जब डिवाइड का साइन था 2/1 है और जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/2 हो जाएगा। अब आप गौर से देखें, 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4, 1/4 आ गया। अब हम बता सकते हैं व्हेन हाफ ऑफ अ पिज़्ज़ा इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 गर्ल्स ईच गर्ल्स रिसीव, यानी दोनों लड़कियों को क्या रिसीव होंगे, 1/4। ये देखें, ये पूरा पिज़्ज़ा है, इसमें से इन्होंने कहा आधा पिज़्ज़ा है, भाई आधा ख़त्म हो गया, भाई आधा अगर है दो लड़कियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 1/4 होगा ना। ये देखें 1 2 3 4, एक होल के कितने हिस्से हैं, 4 पार्ट्स हैं, 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा चला गया एक लड़की को, एक इसको, एक लड़की को अगर एक हिस्सा गया तो 4 में से एक हिस्सा गया ना, 4 में से एक हिस्सा, इसी तरह इस बच्ची को भी कितना गया, एक हिस्सा गया, कितने में से, 4 में से, तो ये क्वार्टर हो गया, यानी ईच गर्ल रिसीव्स 1/4 ऑफ द पिज़्ज़ा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बीना मीलिंग एंड अहमद शेयर हाफ ऑफ अ पिज़्ज़ा इक्वली, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा डज ईच चाइल्ड रिसीव। सबसे पहले तो बताए ये एक कंप्लीट पिज़्ज़ा था जिसको इस पर क्या कर दिया है, हाफ कर दिया गया है, हाफ कर दिया, ये रहा पूरा पिज़्ज़ा, इसको किया हाफ। अब इन्होंने कहा इसमें से आधा पिज़्ज़ा जो है वो 3 हिस्सों में, ये जो आधा हिस्सा ये कितना है, आधा हिस्सा, ठीक है, ये पूरा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा कितने लोग में डिस्ट्रीब्यूट होना है, 3 में, ये 2 और ये 3, बीना मीलिंग और अहमद में, कोई बात नहीं, 1/2 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 3। इसका कन्वर्जन जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3, यानी 3/1 समझें, जब डिवाइड का साइन है तो 3/1 और जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो नंबर रेसिप्रोकल, यानी 1/3। इस तरह से 1 1s are 1 एंड 2 3s are 6, तो हर बच्चे को ईच चाइल्ड रिसीव कितना मिल जाएगा, 1/6, सही है,
वन अपॉन सिक्स हिस्सा मिलेगा। यानी आप देखें तो ये छः हिस्से बने हुए, हाफ के तीन हिस्से बने और तीन बच्चों को दे दिया गया। ये बॉय का समझ लें जो डार्क है, ये दोनों गर्ल्स का समझ लें। अच्छा, इसी तरह इसका सेकंड मेथड है वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय थ्री। जो बात मैंने आपको बताई थी डिवाइडेड बाय थ्री है, तो इन्होंने यहाँ वन अपॉन थ्री कर दिया। आप इस वाले मेथड को ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, सही है, वो ज़्यादा इजी है। इस स्टेप करते हुए जब आप वन अपॉन थ्री और वन अपॉन टू पाए तो वन वन ज़ार वन, टू थ्री ज़ार सिक्स, तो ईच चाइल्ड रिसीव वन अपॉन सिक्स। पिछला वाला आपने सॉल्व करना है, इसको छोड़ें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।